the total distance traveled. Total distance traveled upon total time taken. Upon total time. And velocity का मतलब तुम्हारा होता है total displacement. Total displacement upon total time. देखो अब बताओ स्पीड किस पर डिपेंडेंट है? डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है कि नहीं? टाइम तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं. टाइम क्योंकि इसका डिफाइन नहीं कर पाएगा ना, टाइम किस डायमेंशन में. टाइम ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर. टाइम कौन सा क्वांटिटी है? वैसे टाइम को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज टाइम ही ऐसा क्वांटिटी है जो कि तुम्हारा मतलब ऐसा पार्ट है जो हमेशा आगे ही बढ़ता रहता है, कहीं पीछे आता ही नहीं. ठीक है, तो टाइम को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इसलिए टाइम पार्ट ना तो स्केलर पॉइंट ना तो वेक्टर पॉइंट. तो कौन सा क्वांटिटी है? वैसे बहुत सारे बुक में लिखा होता है टाइम टेंसर क्वांटिटी. कौन सा क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी. फिलहाल हमें इतना आगे बढ़ना नहीं है, तो छोटे पार्ट में खत्म करते हैं इसको. सो स्पीड मतलब किस पर डिपेंडेंट है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है. डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर. तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्केलर. समझ गए? कोई दिक्कत? बिकॉज स्पीड तुम्हारा डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है ना. डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी. तो स्पीड भी कैसा होगा? स्केलर क्वांटिटी. इन द सेम वे वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है? डिस्प्लेसमेंट पे. डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर. तो वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी होगा? ये बात समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? नाउ अब देखो स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो डिस्टेंस को डायमेंशनली कैसे मेजर करते हैं यहाँ पे? तुम यहाँ से कहीं भी जाओ, कहीं लौट के आओ, तुम ओवरऑल क्या ट्रेवल करो? लेंथ को ही ट्रेवल करोगे ना. तो टोटल डिस्टेंस तुमने क्या ट्रेवल की? एल. और अपॉन टाइम. टाइम को डायमेंशन क्या होगा? टी. क्या हो गया? टी. क्या आ गया? एल टी माइनस वन. टी को ऊपर भेज दी, क्या बन जाएगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है तुम्हारा. जो डिनोमिनेटर को अगर न्यूमिनेटर में भेजो क्या बन जाएगा? टी पावर माइनस वन बन जाएगा. इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्वांटिटी. डायमेंशन क्या है? लेंथ. और टाइम भी क्या है? टी. क्या बन जाएगा इसका भी? एल टी माइनस वन. कोई दिक्कत यहाँ पे? इन द सेम वे यूनिट बताना है इसका. तो अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर और किलोमीटर. टाइम क्या होता है? सेकेंड और तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. इसका भी सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. ठीक है, बात समझ गए? यहाँ डाउट है किसी को? है प्रॉब्लम जरूर? बताओ क्या बताओ? डाउट कहाँ है? चेहरे पे दिख रहा है डाउट क्या है? बताओ कहाँ है? आगे से पक्का? अब देखो इसका मतलब समझाते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी होता क्या है. ये तुम्हारा डायमेंशन बता दिए और तुम्हारा यूनिट वाइज बता दिए क्या होता है. अब समझो क्या होता है. स्पीड का मतलब ये तुम्हारा हुआ कि अगर तुम बाइक लेकर चलना स्टार्ट किए, ठीक है, तो घर से स्कूल गए थे, मान लो तुम्हारा यही पार्ट था, घर से स्कूल गए, स्कूल से तुम घर वापस आ गए, ठीक है. तो घर से स्कूल, स्कूल से घर 10 किलोमीटर चलने में तुम कितना टाइम लिए? दैट इज फॉर स्पीड. बाइक लेकर चलना स्टार्ट किए, हमें 10 किलोमीटर ट्रेवल करना था, तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा दैट इज फॉर स्पीड. अगर तुमको बोल दिया यहाँ पे कि तुम्हें घर से स्कूल 10 किलोमीटर ट्रेवल करना, तुमको 5 सेकंड लगा. कितना सेकंड लगा? 5. तुम क्या बोलो, तुम्हारा स्पीड क्या था? बहुत ज्यादा. सोचो तुम 10 किलोमीटर तुम बस 5 सेकंड में ट्रेवल कर पाए, तो क्या बहुत ज्यादा रहा होगा? ये बात समझ गए ना? जैसे हम बोल रहे 10 किलोमीटर कितना मीटर हो गया? 10,000 मीटर. अब बोल रहे 5 सेकंड में, बताओ तो पर सेकंड में कितना गया? 2,000 मीटर गया होगा, है ना. तो 2 किलोमीटर तुम 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कितना स्पीड रहा होगा? बहुत ज्यादा. तुम कैसे बता पाए बहुत ज्यादा स्पीड रहा होगा? इसलिए बिकॉज तुम्हारा टाइम कम लगा. इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल. क्या बोलते हैं इसको? सो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड इनवर्सली टू टाइम. जितना टाइम कम रहेगा स्पीड उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना टाइम ज्यादा लगेगा स्पीड उतना ही कम रहेगा. अगर बोले 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर तुम 10 घंटा लिए, इसका टाइम तो क्या हो गया? ज्यादा लग गया, तो डिस्टेंस स्पीड क्या हो जाएगा? तो इनवर्सली मतलब जो जो पार्ट डिनोमिनेटर में लिखा हो उसको बोलते हैं इनवर्सली, और जो पार्ट न्यूमिनेटर में लिखा हो उसको बोलते हैं डायरेक्टली. क्या बोलते इसको? डायरेक्टली. नाउ ये बात समझ गए ना? स्पीड क्या होता है? स्पीड मतलब जो डिस्टेंस चलने को था तुम्हारे पास, उस चलने वाला डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्पीड. ये बात समझ गए? तो डिस्टेंस में वेलोसिटी क्या है? जो चलने को बचा था ना, जो चलने को बचा था उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. अगर तुम घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, चलने को कितना बचा? कितना किलोमीटर? जीरो. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो. समझ गए?
तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है बट स्पीड जीरो कभी नहीं हो सकता। कभी भी दिमाग में रखना है स्पीड वेलोसिटी में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों सेम चीज नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। अब कैसे डिफाइन कर पाए इसका जीरो आया, बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे बेसिक क्या था हमारे लिए, स्केलर और वेक्टर से बेसिक था। अगर तुम ये पार्ट नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे समझ पाओगे इसका मतलब क्या होता है। सो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जो चलने को बचा है डिस्टेंस, जो पास चलने को बचा है, उस बचे वो पास को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, दैट इज वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम है आपके, कोई दिक्कत ना। अब ये बात तुमको समझा दिए कि इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन, इसका भी डायमेंशन एल टी माइनस वन, इसका यूनिट कितना हो गया, तो ये पार्ट मीटर पर सेकंड में करता है, यूनिट है ये एल टी, तुम्हारा पार्ट क्या है डायमेंशन ही पार्ट, ये तुम्हारा यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट कितना मीटर पर सेकंड, याद रखोगे किसी को, किसी को बोलो ना। उसका तुम्हारा है एक्सेलरेशन, क्या हमारा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अब देखना है आप फिर से कि एक्सेलरेशन किस पर डिपेंडेंट है, फिर से वेलोसिटी पे है कि डिपेंडेंट नहीं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है वेक्टर, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बताना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, देखो आप देखकर एल टी माइनस वन होता है ना अपॉन क्या है टी, टी को फिर से क्या हो जाएगा एल टी माइनस, डायमेंशन क्या होगा एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। यूनिट क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का अपॉन क्या सेकंड, क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या हो गया हमारा एल टी माइनस टू। इसलिए तुम्हारा बुक में क्वेश्चन रहता होगा, ऐसे रहता होगा, देखो बोलता होगा बॉडी मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब भी तुम्हें दिख जाए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, अगर बोलेगा 20 मीटर पर सेकंड तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, स्पीड या वेलोसिटी बदल कर रहा है, वो पता नहीं क्या है, ठीक है वो नहीं पता क्या है, बट मुझे पता चल गया कि स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन देगा नहीं ऐसे बोल के कि बॉडी का एक्सेलरेशन इतना है बताओ डिस्टेंस कितना फिर होती है, क्वेश्चन बस हम लोग को यूनिट से पहचानना होगा गिवन क्वांटिटी हमारा एक्सेलरेशन है कि स्पीड है कि वेलोसिटी या डिस्टेंस है, डिस्कस कर बस समझ गए कोई डाउट यहां पे किसी को ना। नेक्स्ट क्वांटिटी तुम्हारा क्या है फोर्स, फोर्स क्या होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स किस पे डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन पे, फोर्स भी क्या हो जाएगा फिर से हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर के नीचे रखा गया। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, हो गया। अब इसका डायमेंशन क्या होगा देखो लिख सकते हैं, मास को डायमेंशनली कैसे लिखेंगे केजी में लिखेंगे, ठीक है क्या लिखेंगे केजी, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा केजी, एक्सेलरेशन बताइए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात समझ गया, डाउट है किसी को, टॉपिक बोलो फास्ट। उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशन मुझे पता मास इनटू एक्सेलरेशन, मास क्या होगा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन क्या एल टी माइनस टू, क्या हो गया एम एल टी माइनस टू। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है इसको दो टर्म में डिफाइन करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। एवरेज मतलब दो चीज है ना यहाँ पे, देखो ध्यान देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू को बोल रहे हैं यहाँ पे क्या एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं। क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, दो ही क्वांटिटी है, कौन सा इनिशियल और फाइनल। अगर बोल रहे हैं कि दो बच्चे का स्कूल मार्क्स 30 है 40 है तो एवरेज कितना होगा 30 प्लस 45 में 2, क्यों कह रहे हैं बिकॉज दो ही क्वांटिटी यहाँ पे। अगर तीन क्वांटिटी डिफाइन करते लाइक इनिशियल प्लस मिडिल प्लस फाइनल बोल रहे क्या होते हैं जब तुम चलना स्टार्ट किए बाइक को चलाना स्टार्ट किए उस टाइम पे वेलोसिटी कितना था, जब तुम फाइनली रुक गए उस टाइम वेलोसिटी कितना था, लाइक अगर सपोज करो तुम यहाँ पे ऐसे चलना पास में चलना स्टार्ट किया ऐसे करके, ठीक है मैंने किसी पर्टिकुलर पॉइंट में पूछा मान लो तुम यहाँ चलना स्टार्ट किए और यहाँ पे रुके, ये तुम्हारा ए पॉइंट है तुम्हारा बी पॉइंट है तुम्हारा सी पॉइंट है, जब तुम ए से चलना स्टार्ट किए दैट इज कॉल्ड यहाँ पे जो वेलोसिटी रहा होगा ना दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे करते हैं यू से। जब तुम फाइनली पहुंच गए बी पे तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, इसको बोलेंगे बी से। अब जब तुमको पूछा जाए कि बताओ सी पे कितना होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पूछा गया मान लो तुमको बोल रहे हैं यहाँ पे
तुम t equal to one o'clock पे चलना स्टार्ट किए, तुम t equal to 2 o'clock पे तुम पहुंच चुके हो। तो मैंने पूछा 1:25 पे तुम्हारा वेलोसिटी कितना है, हो सकता है ना एक घंटे तुम कंटिन्यू चलते रह गए, 1 o'clock टू 2 o'clock चलते कंटिन्यू चलते रहे। तो मैंने पूछा 1:25 का वेलोसिटी कैसा रहा, कितना वेलोसिटी रहा होगा। दैट वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जाए, दैट इज कॉल्ड उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत निकालना, ठीक है। 1:25 पे जब निकालना स्टार्ट किया, दैट वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरे लिए दो ही पढ़ना, इनिशियल एंड फाइनल पढ़ना। तो मैंने बोला एवरेज कितना है, तो क्या बोला इनिशियल प्लस फाइनल को ऐड कर दो, तो उसे डिवाइड कर दो, दैट बिकम्स द एवरेज वेलोसिटी। ये बात समझ में क्या होती है, कि डाउट है किसी बात पे, किसी डाउट है तो मैं अगले। अब इसके बाद तुम्हारा पार्ट है एक्सेलरेशन का पार्ट। मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम डिफरेंस, ठीक है, ध्यान देना। मैंने बोला एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डिफरेंस, मैंने ये बोला है ना। देखो इसका मतलब एक्शन क्या हुआ, इसका मतलब तुम बाइक चलाना स्टार्ट किए, ठीक है, जब साइकिल चलाना स्टार्ट किए, जब तुम साइकिल चला रहे थे तो तुम्हारा उस टाइम वेलोसिटी मान लो था 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कुछ देर के बाद तुम्हारा वेलोसिटी बन गया क्या, 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में चेंज कितना आया, कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड आया चेंज। उस 20 मीटर पर सेकंड को चेंज करने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझे बात को, तुम अपने आप कितना एक्सीलरेट किए, बाइक को एक्सीलरेट करते ना, बाइक को चलाया कभी स्कूटी चलाया, कभी साइकिल चलाया, साइकिल तुम मतलब रोड तुम्हारा खाली है, क्या अगर स्पीड बढ़ाओगे ना, स्पीड बढ़ाओगे तो पैडल को बहुत तेज घुमाना पड़ेगा, तो जो पैडल तुम तेज घुमाना स्टार्ट किए, दैट इज एक्सीलरेट करना खुद को। तो पहले वेलोसिटी कुछ और था, फाइनली वेलोसिटी कुछ और हो गया, तो उस चेंज इन वेलोसिटी चेंज करने में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। समझ के बात हो, क्या एक्सीलरेशन। तो अगर मान लो फिर ऐसा है तुम्हारा कि पहले तुम्हारा 40 था, सामने तुम्हारा कुछ मान लो कुछ लोग आ गए, भीड़ आ गए, तो वो रुकना पड़ेगा, तो 40 से घटाकर तुम स्पीड को 10 कर दो ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो 40 से घटाकर जब तुम 10 पे किए, तो उसको चेंज करने में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो मान लो तुम्हारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे तुमको ब्रेकर आ गया, कोई बच्चा खेलते हुए निकल गया, तुमको अचानक से ब्रेक लेना पड़ेगा। अब तुम बताओ अचानक से ब्रेक लोगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा एक्सीडेंट, बिकॉज अचानक से ब्रेक लोगे तो वेलोसिटी क्या है अपना, देखो जो तुम्हारा साइकिल का पहिया है, जो व्हील है तुम्हारा साइकिल का, ये तुम्हारा कनेक्शन साइकिल मान लो, कैसे पता लगेगा, ये तुम्हारा साइकिल, ठीक है। अब देखो इसका वेलोसिटी अभी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ सामने क्या आ गया, कोई ब्रेकर यहाँ पे आ गया, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ब्रेकर आ गया। अब तुम्हारा क्या 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब तुम 1 सेकेंड में 40 मीटर भाग रहे हो, इतने स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है। 1 सेकेंड लेट हो जाएगा तो तुम इसको क्रॉस करके 30 मीटर आगे निकल जाओगे, पक्का एक्सीडेंट होना ही होना है ना। अगर 10 मीटर पर सेकेंड होता फिर दिक्कत नहीं था, तुम आराम से ब्रेक लेते, 1 सेकंड में इतना चल रहा था, आराम से ब्रेक लेते, रुक जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन तुम्हारा स्पीड क्या उससे बहुत ज्यादा, तुमको रोकते रोकते पर सेकंड भी अगर 1 सेकंड रोके भी ना, तब तक वो निकल जाएगा 30 मीटर आगे, तुम उसको ऑलरेडी क्या कर दोगे, एक्सीडेंट कर दोगे। इसका मतलब जब तुम ब्रेक लगाओगे तो ये स्पीड में था ऑलरेडी, करेक्ट, जो स्पीड में था स्पीड कहाँ, उसके एनर्जी कहाँ जाएगा, कहीं कहीं कन्वर्ट करेगा, साइकिल क्या करेगा, पीछे घूमिएगा तुम्हारा ऊपर की तरफ जंप करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अगर भीड़ भाड़ में साइकिल चलाते हो उसका स्पीड बहुत स्लो रहता है, ताकि तुम ब्रेक आराम से ले सकते हो उसमें, ये बात समझ गए। तो स्पीड कहीं बढ़ा के दे रखो ज्यादा, खासकर भीड़ खुला रोड हो, अगर स्पीड लिमिट वहाँ दे रखा हो तो कोई दिक्कत, आराम से उस स्पीड तक चला सकते हो तुम। इनफैक्ट तुम्हारा जो भी तुम्हारा लाइक रोड पे होता है ना, वहाँ पे लिखा होता है स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर तैयार करते हैं रोड को, ठीक है, यहाँ पे रोड कैसा है, स्लोप कितना है, स्लोप ज्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग साइड में लगा होता है कितना स्पीड होना चाहिए। अगर उस स्पीड से ज्यादा तुम रखो तो एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा, ठीक है, लिखा होता है ना, तुम देखे देखे हो ब्लू कलर से लिखा होता है कि स्पीड लिमिट अप टू 30 किलोमीटर पर आवर, या फिर लिखा होता है कि मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए, मतलब अगर उससे कम रखो फिर तो एक्सीडेंट होना ही होगा, बिकॉज पीछे गाड़ी तुम्हारा सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है कि मिनिमम स्पीड तुम्हारा लिखा हुआ 40 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, इसका मतलब वहां पे अगर तुम बाइक चला रहे हो तो वहां स्पीड मिनिमम इतना होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे होगा देखो, बिकॉज बाकी गाड़ी क्या करेगी, इतना स्पीड से ट्रेवल करेगी, तुम्हारा स्पीड कम है, तुम बीच में क्या किए, डिस्ट्रैक्शन के बीच में डिस्टर्ब किए, क्या करेगा तुमको, एक्सीडेंट करते आगे निकल जाएगा। तो कहीं लिखा होता है मैक्सिमम लिखा होता है, कहीं मिनिमम लिखा होता है, दोनों को फॉलो करना जरूरी है।
तो ये तो तुम्हारा स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? उस वेलोसिटी को चेंज करने में जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात समझ गए? लाओ इसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन आता तुम्हारा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता तुम्हारा, जिसको हम गैलियो का तीन इक्वेशन डिफाइन करेंगे हम लोग, उसके बाद तुम्हारा कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, ए क्या हमारा b माइनस सी अपॉन टी है ना, cos मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, at इक्वल टू क्या आएगा, b माइनस u को सॉल्व करो क्या होगा, v इक्वल टू u प्लस at। सो दिस इज आवर फर्स्ट गैलियो का इक्वेशन हमारा, क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसको बोलते हैं हम लोग। तो यहां पे हेडिंग दो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन। और इसी को बोलते हैं हम लोग गैलीलियो इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन कौन सा है हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड कौन सा है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एल स्क्वायर। एंड थर्ड क्या हमारा, u स्क्वायर माइनस c u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये तीन तुम्हारे स्कूल में पूछा जाएगा, तीन में इसको एक आएगा या तीनों आएगा, तीनों आएगा तो पांच मार्क्स का रहेगा, वो एक या दो आएगा तुम्हारा तीन मार्क्स का रहेगा। और ये तुम्हारा सोर्स ऑफ क्वेश्चन आ रहा ही आ रहा है, खासकर स्कूल वगैरह एग्जाम में। नाइन्थ का तुम्हारा प्रीवियस टेस्ट वन का है तुम्हारा, ग्राफिकली बोलेगा, ग्राफिकली डिराइव कीजिए इस इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, इसको डिराइव करने जा रहे हैं ग्राफिकली, तो वेरी दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्पीड और वेलोसिटी निकालने बोला जाए, हमेशा तो स्लोप निकालोगे तो डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। फिर से स्पीड वेलोसिटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन निकालना हो डिफरेंशिएट या स्लोप निकालना पड़ेगा। इन द सेम वे एक्सेलरेशन ग्राफ है, वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, इंटीग्रेशन या एरिया निकालना पड़ेगा। फिर पीछे जाना तो एरिया निकालना, आगे जाना तो स्लोप निकालना, एरिया निकालने को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड है, ठीक है, मैंने करवाया बेसिक तो लोगों को पहले ही, डिफरेंशिएशन का भी बेसिक करवा दिया है और इंटीग्रेशन का भी बेसिक करवा दिया है। तो पहला क्या हमारा v इक्वल टू u प्लस at प्रूफ करना है, उस स्पीड का वैल्यू दे रखा हमें। देखो ध्यान देना, v और t का रिलेशन यहाँ पे है कि नहीं है, है, बट हमें निकालना क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। देख लो स्पीड और टाइम ग्राफ दे रखा है, निकालना क्या हम लोग को, एक्सेलरेशन। तो स्पीड का टाइम ग्राफ हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप मतलब क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। कोई बॉडी तुम्हारा a पोजीशन पे था, a पोजीशन चलना स्टार्ट किया, b पे पहुंच गया, यहां पे जाकर रुक चुका है, क्या देखो ग्राफ क्या तुम्हारा। तो बॉडी तुम्हारा a पे था, b a से चलना स्टार्ट किया, b पे जाकर रुक चुका है, तो मेरे को स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो स्लोप का मतलब देखो, स्पीड का स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, करेक्ट। तो क्या बोलेंगे, स्लोप इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप लोग, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो स्पीड टाइम में ग्राफ स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, नहीं बताएगा, बताएगा। बताओ यहां से यहां पहुंचने के लिए वाई का वैल्यू कितना है, यहां से यहां तक में वाई कितना है, टोटल वी माइनस सी वाई की नहीं है, एक्स कितना है,
टी है ना, तो y कितना हो गया, v माइनस u, x कितना हो गया t, a इक्वल टू क्या, v माइनस u अपॉन t, तो v कितना आ गया u प्लस t, फर्स्ट इक्वेशन मोशन प्रूफ हो गया हमारा, तो दिक्कत यहाँ पे डाउट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब देखो सेकंड क्वेश्चन मोशन क्या हमारा, सेकंड हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखो ध्यान दो फिर से, स्पीड टाइम ग्राफ है, करेक्ट स्पीड टाइम ग्राफ है, हमें कहाँ जाना है, देखो यहाँ पे u और t का रिलेशन है, करेक्ट, हम एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, अब बचा क्या s, मतलब डिस्टेंस, s मतलब क्या हमारा डिस्टेंस, तो हमें अब ut के रिलेशन ग्राफ में s पे पहुंचना है। देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, हमें कहाँ जाना है, डिस्टेंस पे जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे, तो इसी का तुझे निकालना है, तो पूरा एरिया कितना है, देखो तो यहां से यहां चला पूरा यहां पे, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या बोलेंगे देखो, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, ओ ए सी डी, एरिया ऑफ ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज क्या, ए बी सी, बताओ कितना हो जाएगा, तो ओ ए सी डी क्या रेक्टेंगल मारा है, रेक्टेंगल कितना, लेंथ इनटू ब्रेथ, बताओ लेंथ कितना है टी, ब्रेथ कितना है क्या हो जाएगा यू इनटू टी, हो गया फिर क्या हमारा प्लस, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सुनो हाफ इनटू इसको देख रहा है, इसका बेस कितना हमारा टी, बेस टी हमारा, सो बेस हमारा टी है, हाइट कितना हमारा वी माइनस यू, वी माइनस यू हमारा हाइट हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो ए सी इक्वल टू कितना होगा यू टी प्लस हाफ इनटू, नाउ देखना अब बताओ अगर v इक्वल टू a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t है, तो बताओ यहां से v माइनस u किसके बराबर होगा, at के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको इक्वेशन बोल देते हैं, क्या v माइनस u के प्लेस पे at पुट कर सकते हैं हम लोग, yes, तो पुट कर दो t इनटू at, अब सॉल्व कर लो क्या होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगेन इक्वेशन मोशन हो गया प्रूफ, यस दिक्कत। नाउ थर्ड इक्वेशन मोशन पे जाते हैं, यहाँ किसी दिक्कत है क्या, होगा तो बताना। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्या प्रूफ करना है, लास्ट प्रूफ करना हम लोगों को v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है हमारा कि वेलोसिटी एंड डिस्टेंस के रिलेशन निकालना हम, तो अगर स्पीड का ग्राफ गिवन हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो क्या करेंगे फिर से, एरिया हम तो निकाल चुके एक बार, अब क्या करना पड़ेगा, निकाल चुके ना, अब कैसे करना हम लोगों को, अब क्या करना, पूरे का एक साथ ही निकालो, ध्यान से देखना, पूरे को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे, कैसा दिख रहा है दिखने में, ट्रेपेज़ियम, एक साथ ट्रेपेज़ियम करके निकालते हैं, तो क्या होता है, ये पार्ट कितना है यू, ये पार्ट पूरा कितना है वी, और ये कितना है, ट्रेपेज़ियम का एरिया कितना होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच, ये होता है, यस सर, तो बताओ अगर तुम इसका एरिया निकालो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया v प्लस, हाइट कितना है टी, है कि नहीं, इतना बताओ, ऐसे कर सकते हो, किसी दिक्कत ना हो, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ इनटू वी प्लस यू, अब बताना अगर तुम्हारा यहाँ पे ध्यान दो, अगर तुम्हारा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है, ठीक है, अगर तुम्हारा ए इक्वल टू यहाँ पे लिख दे रहे, अगर तुम्हारा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है, तो टी कितना होगा, वी माइनस यू अपॉन, ये होगा नहीं होगा, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, या टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a, अब सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू a प्लस b इनटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन कितना है a, 2a को इधर सेंड कर दो क्या हो जाएगा, 2a is equal to b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 2a, ये प्रूफ करना था हम लोग, सीधे क्वेश्चन मोशन प्रूफ हो गया हमारा, डाउट है किसी को, है तो बताओ, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है थोड़ा भी कहीं भी है, निशांत तुम्हें करो ये t का वैल्यू पुट किया यहां से, अगर a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t है, तो t कितना होगा, v माइनस u अपॉन a, तो यहां पे की पुट t इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, तो लॉग अप्लाई कर दिए a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और 2a नीचे था, 2a को सेम किए, तो क्या बन गया 2a इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अगर इनमें से